नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैटेसिक्स में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे उन 40 नए सीईओ के नाम जो कि नियुक्त किए गए हैं हर एक कंपनी में। तो दोस्तों वो कंपनी हो सकती है कि विदेशी हो या देसी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। तो दोस्तों इन 40 नाम आप लोग देखिएगा कंपनी के नाम और इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हमारे साथ बने रहिएगा, बस कुछ मिनटों में आपको ये 40 नाम आपके सामने होंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का आइकन आएगा, उसे दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों बेल के आइकन को दबाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रोज आपको सुबह 5 बजे लेकर आते हैं करेंट अफेयर की क्लास, तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे SSC GD के हर शिफ्ट का एनालिसिस जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो सभी वीडियो देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा। चलिए हम लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे जो कि आज के इस सिनारियों में आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों ये देखिए, पहले हम जानेंगे कि ये सीईओ होते कौन हैं। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कहते हैं इनको, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंग्लिश में। दोस्तों एक कंपनी में सबसे मुख्य प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट संभालने वाला वो व्यक्ति जो मालिक के बाद दूसरा मालिक होता है उस कंपनी का, उसे हम सीईओ कहते हैं। उसकी प्राथमिकता क्या होती है? तो जिम्मेदारियों के साथ अपनी कंपनी के समग्र संचालन और संसाधनों का प्रबंधन में शामिल रहना। जी हाँ, उसके कंपनी में जितने भी मैनेजमेंट बातें हो रही हैं या फिर कोई एक एम्प्लॉय से लेकर एक अकाउंटेंट तक जो कि कंपनी का सारा लेखा जोखा रखता है, उन तक सारे के सारे डिटेल हर सीईओ के पास जाता है। तो सीईओ यानी कि उस कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो सबसे कहें तो सबसे टॉप रैंकर होता है उस कंपनी में, ओके। और इस कंपनी का सबसे उच्चतम रैंक पर स्थित कार्यकारी होता है वो, और जो कंपनी सभी छोटे बड़े कार्यों में नियंत्रित करता है उसे हम कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम कुछ कंपनीज हैं जिनके सीईओ यहां पे चेंज हुए हैं तो उनके नाम आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं इसका PDF भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा पहले, उसके बाद आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसके हैं सत्य नडेला, नोट कर लीजिएगा। BSNL अनुपम श्रीवास्तव, नोट कर लीजिएगा, सरकारी हिंदुस्तानी कंपनी है। MTNL है प्रवीण कुमार पुरवार, ये भी एक सरकारी कंपनी है जो कि महानगर में संचालित होती है, महानगर टेलीकॉम नगर लिमिटेड, नोट कर लीजिएगा। सैमसंग जो कंपनी है उसके हैं ओ ह्यूंग नो, ओके नोट कर लीजिएगा ओ ह्यूंग नो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका LP में पूछा गया था, और उस समय LP में जब पूछा गया था तो उनके जो CEO थे वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब है हमारा प्रश्न नोकिया से, नोकिया के हैं राजीव सूरी, ये भी एक भारतीय हैं, और यहाँ पे है नोकिया जो कि कंपनी है मोबाइल सेक्टर की। और अगला प्रश्न है गूगल का, तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, गूगल के चलते आज हम और आप कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। जी हाँ, यूट्यूब और गूगल दो ही तो एक ऐसे हैं जो हम आपको कनेक्ट करके रखे हुए हैं। तो सुंदर पिचाई ये भी एक भारतीय हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग सभी। अमूल जो कंपनी है इसके CEO कौन है? तो राम सिंह परमार, अमूल का दूध आप लोगों ने पिया होगा, ठीक है, और अमूल की मिठाइयाँ भी आती हैं बहुत सारी। अगला प्रश्न है फेसबुक से, कि फेसबुक के हैं मार्क जकरबर्ग, ठीक है नोट कर लीजिएगा, और ये इस कंपनी के मालिक भी हैं और CEO भी हैं। ट्विटर जैक डर्सी, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, जैक डर्सी जो है ये भी एक कंपनी के CEO हैं और मालिक खुद ही हैं। YouTube की बात कर लें तो यहाँ पे सुसान वोजसिकी जो है ये हैं आपके CEO, इनका नाम नोट कर लीजिएगा, ये एक फीमेल महिला है सुसान वोजसिकी, ओके। एप्पल जो कंपनी है मोबाइल की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है ये, टिम कुक हैं इनके CEO, और व्हाट्सअप जो यूज़ करते हैं हम लोग आज अपने सोशल मीडिया के जो ऐप है व्हाट्सअप, उसके हैं जेन क्यूम। अगला ये प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपके SSC GD में भी, तो GD वाले भी कैंडिडेट जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि अब प्रश्न यहाँ से भी बनेंगे आपके GK में। पेटीएम की बात कर लें तो पेटीएम एक आपका ई कॉमर्स कंपनी है, तो रेनू सत्ती हैं इसकी जो कि इंडियन है। और इंस्टाग्राम ये अभी ट्रेंड में है एप्लीकेशन, तो इंस्टाग्राम जो है इसके हैं CEO केविन सिस्ट्रोम, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बनेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है विकिपीडिया जो है, देखिए ये दूसरा गूगल कह सकते हैं इसको, विकिपीडिया को, ठीक है, ये इनके जो CEO हैं ये हैं जिमी वेल्स, नोट कर लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, जिमी वेल्स इज द राइट आंसर। और
फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट जो है कंपनी, ये भी एक ई कॉमर्स की कंपनी है, कल्याण कृष्णमूर्ति, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और स्नैपडील, स्नैपडील कंपनी है जहाँ पे है, कृणाल बहल, नोट कर लीजिएगा, ये एक अच्छी कंपनी है ई कॉमर्स के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आए हैं 18वें, जी हाँ 18वां क्वेश्चन है कि अमेजन, जी हाँ अमेजन जो कंपनी है एक ई कॉमर्स कंपनी है, तो जेफ बेजोस, नोट कर लीजिएगा, जेफ बेजोस इज द राइट आंसर, ये अभी वही हैं पुराने अपने। ठीक है, अलीबाबा जो कंपनी है ये बहुत ही अमीर आदमी की कंपनी है, कह सकते हैं जैकमा जो है ये दुनिया के दूसरे अमीर आदमियों में से एक है। ठीक है, एशिया में तो शायद दूसरे नंबर पे हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी पहले नंबर पे हैं, भारतीय हैं जो। ठीक है, इन्फोसिस, इन्फोसिस जो है ये सलील परेख की कंपनी है, माफ कीजिएगा, ये सीईओ है यहाँ पे। और याहू, याहू का नाम आप लोगों ने बहुत दिनों के बाद अब सुना होगा, क्योंकि याहू जो है एक तरह से जीमेल कैसे है वैसे ही मेल पोर्टल है, पोर्टल है। और साथ ही साथ ये यहाँ पे याहू एक अपना एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, याहू मैसेंजर करके, जो कि अभी भी एंड्रॉयड में चल रहा है। और ये हैं मरीसा मेयर जो कि इनकी सीईओ हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। एक रेडिफ मेल हुआ करता था, ठीक है, रेडिफ मेल, वो अब लगभग मतलब बंद हो चुका है, उसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। HCL की बात कर ले यहाँ पे, HCL टेक्नोलॉजी, जी हाँ HCL टेक्नोलॉजी एक भारतीय कंपनी है। तो ये है अनंत गुप्ता, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। मोजिला, मोजिला का नाम आप लोगों ने लगभग सुना ही होगा, क्योंकि आप लोग अगर क्रोम के अलावा और कोई फायरफॉक्स यूज़ करते हो तो मोजिला भी है, बहुत सारे हैं वैसे तो आप लोग जो यूज़ करते हो। ठीक है, पर एक मोजिला है, मोजिला फायरफॉक्स, जिसका है मिशेल बेकर, उनका नाम है, सीईओ है इस कंपनी की। और मास्टर कार्ड जो है, ये मास्टर कार्ड जो आप लोग यूज़ करते हैं, एटीएम जो आप लोग यूज़ करते हैं उसमें मास्टर कार्ड लिखा रहता है। ठीक है, तो मास्टर कार्ड एक कंपनी है। ठीक है, तो ये है अजय बंगा, नोट कर लीजिएगा उनके मास्टर कार्ड के। एडोब सिस्टम, एडोब सिस्टम का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, एडोब फोटोशॉप, एडोब पिक कार्ड, ये सब का नाम सुना होगा। तो ये कंपनी है एडोब, और इसके एडोब सिस्टम के जो हैं शांतनु नारायण, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न ग्रुप डी में भी पूछा गया था आपसे, तो ये एसएससी जीडी में तो बनता है, और बैंक वाले एग्जाम के जो कैंडिडेट हैं वो अब ध्यान देंगे, क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं। तो कॉग्निजेंट है सॉफ्टवेयर कंपनी, इनके हैं फ्रांसिस्को डिसूजा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। और सिस्को सिस्टम, सिस्को सिस्टम भी है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो पद्मा वॉरियर जो है इनके सीईओ हैं, नोट कर लीजिएगा ये भी। और 28 है क्वेश्चन, सैंडिक्स, देखिए ये भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, हार्डवेयर कंपनी भी कह सकते हैं, इसके पेन ड्राइव्स वगैरह आते हैं, हार्ड डिस्क भी आती है। तो दोस्तों संजय मेहरोत्रा, ठीक है, संजय मेहरोत्रा हैं इसके सीईओ सैंडिस्क के। और लिंक्डइन एक जॉब पोर्टल है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आप लोगों ने naukri.com का नाम सुना होगा, वैसे लिंक्डइन है, पर यहाँ पे कोई पैसे चार्ज नहीं होते आपसे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो जॉब सीकर होते हैं वो जॉब वालों से जुड़े होते हैं, वहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड करके आप यहाँ पे भी जॉब सर्च कर सकते हैं। ये एक कह सकते हैं ट्रस्टवर्दी है, मतलब विश्वसनीय है। तो यहाँ पे सीईओ जो है इनके जेफ वेनर हैं, नोट कर लीजिएगा। ये एक सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, और साइट वेबसाइट भी है इसका। टम्बलर जो है ये इसके हैं डेविड कॉर्प, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आ सकता है एग्जाम में। एलेक्सा इंटरनेट, एलेक्सा इंटरनेट की हैं एंड्रयू, नोट कर लीजिएगा, एंड्रयू हैं यहाँ पे इनके सीईओ। 32वां प्रश्न है कि रॉयल एनफील्ड, सिद्धार्थ लाल है आंसर, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। रॉयल एनफील्ड का बुलेट कंपनी का वो आता है आपका बाइक, ठीक है, जो कि मोटरसाइकिल है, और वो रॉयल एनफील्ड है उसका नाम। ठीक है, तो सिद्धार्थ लाल जी हैं इसके सीईओ। 33वां देखते हैं दोस्तों, टीवीएस के राधा कृष्णन जो हैं, के एन राधा कृष्णन, टीवीएस कंपनी के, जो भी एक मोटर बाइक कंपनी है। ठीक है, और एक है आपका आईबीएम जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसके हैं वर्जीनिया एम रोमिटी, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और 35वां प्रश्न है कि यस बैंक के कौन है, अब देखिए बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से है रणवीर सिंह, नोट कर लीजिएगा, यस बैंक के हैं ये रणवीर सिंह सीईओ। एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी हैं, वहीं पे ICICI बैंक के हैं संदीप बख्शी, नोट कर लीजिएगा, ये सब नए बने हैं सीईओ अभी। सिटी बैंक जो है ये बारबरा जे डिजोर हैं, ये अलग थोड़ा नाम है, सिटी बैंक जो बैंक है, कंपनी भी है खुद की। ठीक है, नेटफ्लिक्स की नाम कर ले तो ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और इसका एप्लीकेशन आप लोगों ने अपने मोबाइल में डाला ही होगा मुझे लगता है। ये रीड हेस्टिंग है इनके सीईओ, नोट कर लीजिएगा। पंजाब नेशनल बैंक के हैं सुनील मेहता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी ट्रेंड में है, पंजाब नेशनल बैंक का बिजनेस भी बढ़ा है इधर बीच, जो कि नीरव मोदी के
जाने कांड करने के बाद ऐसा ये हुआ है। सुनील मेहता के सीईओ बनने के बाद यहाँ पे जो बैंक का ग्राफ है पंजाब नेशनल का, ये ऊपर उठा है। तो ये अभी थोड़ा ट्रेंड में, इसको याद रखिएगा सुनील मेहता, ठीक है। तो दोस्तों ये 40 के बदले 41 आपको दिया है यहाँ पे, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से था, ठीक है। तो यहाँ आज हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा और मिलते हैं एसएससी जीडी के जो अभी क्लासेस होंगी, मतलब एसएससी जीडी के जो आपके एनालिसिस होंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।